वहीं दिल्ली में नगर निगम के तीनों महापौर ने अपना पदभार संभाल लिया है। पूर्वी दिल्ली से श्याम सुंदर अग्रवाल, उत्तरी दिल्ली से राजा इकबाल सिंह तो वहीं दक्षिणी दिल्ली से मुकेश सुरयान ने पदभार संभाला है। तीनों महापौर ने निगम के कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से नियुक्त किए गए निगम पार्षदों ने अपना पदभार संभाल लिया है। इसमें पूर्वी दिल्ली से श्याम सुंदर अग्रवाल, उत्तर दिल्ली से राजा इकबाल सिंह और दक्षिणी दिल्ली से मुकेश सुरयान को चुना गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रघुबरपुरा वार्ड के निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल स्कूटी से नगर निगम मुख्यालय मेयर का पदभार संभालने के लिए पहुंचे। महापौर के कार्यालय में दाखिल होने से पहले श्याम सुंदर अग्रवाल नतमस्तक हुए। उन्होंने माथा टेक कर अपना पदभार संभाला। श्याम सुंदर अग्रवाल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निर्विरोध मेयर चुने गए। इसके साथ ही मयूर विहार वार्ड से बीजेपी निगम पार्षद किरण वैद्य डिप्टी मेयर पद निर्वाचित हुई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा में पीठासीन अधिकारी आप पार्षद गीता रावत ने श्याम सुंदर अग्रवाल के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। मेयर बनने के बाद श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि वो जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना, निगम बस से संबंधित जो भी काम है उनको सही ढंग से करवाना, उनको समय पे करवाना। हमारा जो चार्ट बनेगा कौन सा काम कितने दिन में होना है इसको तय करना। देखिए हमारे सभी पार्षद क्षेत्र में घूम रहे हैं, जैसी सेवा उन्होंने की है वो बधाई के पात्र हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना काल में सैनिटाइजर का काम कराना, राशन बांटना, मास्क बांटना, कच्चा पक्का भोजन देना उन्होंने किया है। और जमनापारा की जनता, ईडीएमसी की जनता सब देख रही है। और आज भी यदि चुनाव हो जाए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर बहुमत में आएगी। वहीं राजा इकबाल सिंह ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर का पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे निगम के सभी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेयर राजा इकबाल सिंह जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरीके से आपकी नई रणनीति रहेगी? देखो रणनीति तो हमारी वही रहेगी जो ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि व्यवस्था वही है। खाली टीम में मुझे ऐड किया गया और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा और पुराने प्रोजेक्ट्स को गति दी जाए। सर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के साथ विवाद रहा है, आप उसके तो किस तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे? अभी मुझे चार्ज मिला है, एक बार बात करेंगे दिल्ली सरकार से, कोशिश करेंगे जो हमारा बकाया है वो हमें मिले। अगर हमें बकाया मिल जाए, लोगों को वेतन मिल जाए तो और मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। आगे सर दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी सर पे आ रहे हैं, आप उसकी तैयारी को किस तरीके से देखते हैं? देखो दिल्ली नगर निगम के सभी निगम पार्षद जनता के बीच में रहते हैं और मुझे पता है कि जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है वो एग्जाम से नहीं डरता, तो हम उसके लिए पूर्ण तैयार हैं। दक्षिणी दिल्ली से मुकेश सुरयान ने भी निगम पार्षद का पदभार संभाल लिया है। इन तीनों नए निगम पार्षदों ने संकल्प लिया है कि वो निगम के कामों को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना होगा कि विकास कार्यों में ये तीनों निगम पार्षद कितने खरे उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।